आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी। आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी। आज हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं और ये हमारा शायद पहला और आखिरी दिन है शॉपिंग करने का। राहुल लोग हैं और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो रही है। अभी तो वॉकिंग हो रही है। इधर इधर। आज हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं और ये हमारा शायद पहला और आखिरी दिन है शॉपिंग करने का। राहुल लोग हैं और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो रही है। अभी तो वॉकिंग हो रही है। इधर इधर। So guys, today is the first day of shooting. It's 5:30 in the morning. I'm gonna have my coffee and put in a quick cardio session. Khatron Ke Khiladi 11 is officially starting the first day of shoot. This is the Anka trying to finish her food before I start the video. This is Arjun Bijlani, who's Arjun. Finish. Arjun, come on. Oh, he's tired to be here. Look at the shine. Who wears so much moisturizer? Me. कौन है जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Hello. Lovely breakfast. Lucky लोग. बड़े लगा ना जो मैं तुम्हारी उम्र की लगूं। मेरी उम्र की? आप तो वैसे भी यंग लग रहे हो। अच्छा नहीं यार, अच्छा वाला तेरी। Hi guys, so we're in Cape Town. Oh, it's a video. Yeah. How excited are you? I am very, very excited to be amongst these beautiful, amazing ladies. Thank Yay. You. Thank you. But थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि you know COVID. So social distancing very important. Hey, mask है. Actually मैं invisible mask पहना, आपको दिख नहीं रहा, but हम जा रहे हैं वैसे दो test करा के हैं corona के, so don't worry. Yes. Hey बाबा, तो आप लोग जा कहाँ रहे हो वैसे? Shopping. 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 Who's there? कौन है रे? मैं हूँ रे. What's up, Anushka? What's up? Finally, we are boarding. So where are we off to, huh? We are off to Khatron Ke Khiladi Season 11. Season 11. Season 11. जहाँ पे खत्म हो रहा है. See this, Abhinav Shukla and Saurabh Raj Jain doing the photo shoot. मास्क पूरा पहना जा रहा है. ओह सॉरी, अभी उतारे पानी के लिए. हाँ यार, मास्क पूरा पहना जा रहा है. पहचानो कौन है बताओ. मैं तो हुई हूँ. कहाँ से आया? मैं हूँ. गाइस, केक टाउन पहुँच गए. बहुत जल्दी शूट शुरू होने वाला है. हाँ यार, मास्क पूरा पहना जा रहा है. पहचानो कौन है बताओ. मैं तो हुई हूँ. कहाँ से आया? वेल गाइस, वी लैंडेड इन केक टाउन एंड द स्पिरिट्स आर रियली हाई. जो कि हम थक चुके हैं. निक्की से हाय. पहचानो कौन कौन है. पहचान बताओ कौन कौन है. पहचान कौन. ठीक है. अरे गाड़ी फोटो मारेगा. गाड़ी फोटो. अरे बस निकल रहा है. रंगा जी उधर ही रुक जाइए साथ में. इधर आइए ना. ऊपर आइए ना.
मैडम जी, अरे मैडम जी, सारा सर आए, मैडम जी यहाँ पे, मैडम जी यहाँ पर देखिए, मैडम जी देखिए, सर 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 सामने देखिए सर सामने इधर मैम यहाँ पर भी देखिए ना मैम यहाँ पे इधर मैम यहाँ पे सामने सामने मैम इधर थैंक यू सो मच सर सर मैम नहीं नहीं रुकिए 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 मैम सर सर एक साथ में आइए ना हो गया थैंक यू एक और बार साथ में वन मोर आप जल्दी सर यहाँ पे सर यहाँ पे आगे बढ़ आगे बढ़ रिवंगा जी हैप्पी जर्नी रुकिए रुकिए ऑल द बेस्ट ओके वेरी पुट दिस ऑल थैंक यू जी इधर आइए और कुछ नहीं करना नहीं कुछ लगा लगा ऐसे 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 आगे बोला दे बोला अभी दो तो क्या क्या ना लग लगे इधर आइए ना दिव्यंका जी मैम इधर आइए मैम कुछ नहीं कोविड अभी ज्यादा हो रहा अपने भारत में तो उसके कैसे हैं आप ठीक है आप कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सब लोग ठीक हैं परिवार बस सब ठीक है जी बताइए कोविड की सिचुएशन काफी हाई हो गई है अपने भारत में उसके पास ऑक्सीजन भी नहीं है बेड भी नहीं है बेड भी नहीं है अपने मिल रहे हैं ऑक्सीजन भी नहीं है उसके क्या क्या है सिचुएशन तो सच में बहुत ज़्यादा खराब है और शायद कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था इस बात के लिए क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो बहुत ही भयावह है पहले वेव में लोग फिर भी हल्के में ले रहे थे इस बात को और शायद वो एक गलती थी लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सब लोग बहुत सतर्क हो गए हैं और बहुत ज़रूरी भी है सतर्क रहना बिकॉज कोविड की सिचुएशन सच में बुरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी मानसिक स्थिति को ठीक बनाए रखें क्योंकि कोविड तो है ही लेकिन अब उसके डर में हम अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाएं वही बातें करते रहें नकारात्मक रूप की और हम मुस्कुराना बंद कर दें अपनों के साथ प्यार दिखाना बंद कर दें तो ज़्यादा गलत होगा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें दिल को अच्छी लगती है वो भी साथ ही साथ करें क्योंकि इस फेज ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि जो भी है बस एक यही पल है आपके आने तक ठीक हो जाए शायद आपके आने तक ठीक हो जाए कोविड की सिचुएशन थोड़ी आपके आने तक आपके आने तक सही हो जाए थोड़ा कोविड सिचुएशन रियली होप एंड विश कि मेरे आने तक कोविड ठीक हो जाए और मैं जैसे मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हैं मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वैसे ही मैं डर रही हूँ उन सबको यहाँ छोड़ के जाते हुए विवेक को यहाँ छोड़ के जाते हुए और मैंने भी उन्हें खूब सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं विवेक जी मिस करेंगे विश यू ऑल द बेस्ट और आप लोग प्लीज सेफ रहिए सुरक्षित रहिए अपना ख्याल रखिए जीत के आइए मैम आप हैप्पी जर्नी आप जीत के आएंगे जरूर आई विल ट्राई माय बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू बाय और वैसी वाली फीलिंग आ रही है और मुझे आई होप कि बाकी के बच्चे मेरी बच्ची को सताए नहीं बाकी के कीड़े मकोड़े जीव जंतु सांप कॉकरोचेस वो अच्छे से पेश आए क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने बदतमीजी की मेरे बच्चे के साथ तो मैं अगले साल जाके सबको खा जाऊंगा मैं अगले साल जाके बदला ले दूंगा ओके जीत के ही आने वाले आप मतलब 101% दुआएं कीजिए और मैं कोशिश करूंगी ये बहुत एडवेंचरस है और इनको डर नहीं लगता हमने साथ में स्काई डाइविंग की थी और जब हम प्लेन से कूदे थे तो मेरी शक्ल भयानक थी बहुत डरावनी थी और ये हंस रही थी मुस्कुरा रही थी तो उसी वक्त हम मुझे लगा कि ये शी इज मेड फॉर खतरों के खिलाड़ी एंड शी शुड डू ऑल दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को गर्व महसूस कराऊं और सबको अच्छा लगे मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस देख के आई विल ट्राई माय बेस्ट थैंक यू सो मच लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू थैंक यू थैंक यू घूम जाओ ना अबे यार सर कैंडिट दे दो नहीं बारह बारह यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी